हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त दीपक कुमार अमृतसर वॉकिंग टूर की टीम के साथ आज एक नई एपिसोड में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं श्री हरमंदिर साहब गोल्डन टेंपल को। दोस्तों रिसर्च करने के बाद मेरे को पता लगा है कि अगर आप श्री हरमंदिर साहब में माथा टेकने आए हैं और तलाश कर रहे हैं एक ऐसे खाने की जो कि अमृतसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, अमृतसरी कुलचे की, ठीक हरिमंदर साहब के आसपास, तो एक नाम जो मेरे को सजेस्ट किया गया है वो है कुलवंत सिंह कुलचे वाले का। तो चलिए चलते हैं अमृतसर वॉकिंग टूर के साथ आज एक नए सफ़र में, एक नए खाने की तलाश में। कम विथ मी। दुकान भाई कुलवंत सिंह कुलचे नाम तो मशहूर है जी। ये मेरे वड्डे भाई साहब ने सरदार प्रदुमन सिंह जी, तो मेरा नाम है सरदार पिंदर सिंह जी। तो असी पिछले इतने 40 साल तो कम करते पे हैं, वैसे साडा खानदानी कम है। तो साढ़े को कुलचे मिलते हैं आलू वाले, गोभी वाले, पनीर वाले, पिट्ठी वाले, तो मिक्स। सब तो पहली जी गुरु रामदास महाराज की कृपा है। असं तो यही है जी, जो अं स्टार्टिंग जो पिता जी ने मसाले रखे है वह अज तक अं उ यूज़ करते हैं, कभी घटाते नहीं कभी बढ़ाते नहीं, जिस तरह पिता जी दस्या उस तरह ही करते हैं। हाँ जी, मैं फॉर्मिक्स कुलचा लगाने लगा हूँ अब। ये देखिए, ये मैंने थोड़े से आलू लिए, ये थोड़ी सी गोभी ली, ये थोड़ा सा पनीर लिया, ये थोड़ी सी पिठी ली, ये सारा सामान डाल के। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था 4 मिक्स कुलचा और मेरा ऑर्डर मेरे टेबल पे आ चुका है। एक्चुअली यहाँ पे ये 4 डिफरेंट काइंड ऑफ कुलचा ऑफर करते हैं, जिसमें एक आलू का कुलचा आता है जो कि अमृतसर का ट्रेडिशनल कुलचा माना जाता है, और जो दूसरा कुलचा है वो है गोभी वाला कुलचा, और तीसरा जो है पीठी वाला, और जो चौथा कुलचा है वो है पनीर वाला कुलचा। और क्योंकि मैंने 4 मिक्स कुलचा ऑर्डर किया था, 4 मिक्स कुलचा में ये चारों के चारों जो इन्ग्रीडियंट हैं एक ही कुलचे में डाल देते हैं, इसलिए इस कुलचे का आप साइज भी देख सकते हैं जो कि नॉर्मल कुलचे से काफ़ी बड़ा है, और इसके साथ ऊपर से इन्होंने मक्खन लगाया हुआ है, और इसके साथ आप सब्जी में देख सकते हैं छोलों की सब्जी दी गई है, और ज़्यादातर मैंने दुकानों पे जहाँ पे ट्राई, और इसके साथ इन्होंने चटनी में दिया है प्याज की चटनी है, और इसके साथ ही साथ गाजर का अचार है। सो देखने में एक अच्छा लुक दे रहा है, एक बढ़िया कॉम्बो लग रहा है। सो लेट मी ट्राई।
दोस्तों, एक सही कुलचे की पहचान होती है बाहर से क्रिस्पीनेस और अंदर से उसका सॉफ्टनेस होना, और इस कुलचे में ठीक वैसा ही मैंने पाया है। बाहर से ये काफ़ी क्रिस्पी है लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। सो कुल मिला के एक अच्छा डिसेंट स्वाद दे रहा है, और जो छोलों की सब्जी है ये मेरे को काफ़ी सही लगी, हालांकि ये थोड़ी सी स्पाइसी है। सो अगर आप स्पाइसी लाइक करते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही पसंद है। दोस्तों, क्योंकि मैं अमृतसर से हूँ, अमृतसर में आपको हर गली हर नुक्कड़ पे कुलचे की शॉप मिल जाएगी, और इससे पहले भी मैंने जो अमृतसर के जो फेमस कुलचे वाली शॉप्स हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कुलचे ट्राई किए हुए हैं। सो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट सभी जो प्लेसेस हैं, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इफ़ यू आर लुकिंग नियर टू गोल्डन टेम्पल। और इससे पहले जो मैंने कुलचे खाए हुए हैं वो खाए हुए हैं आलू वाला कुलचा, ज़्यादातर शॉप पे मिलता है, लेकिन जो इस शॉप की खासियत थी वो थी फोर मिक्स कुलचा, जो कि मैंने ऑर्डर किया और आज ट्राई किया, और मैं काफ़ी खुश हूँ इसके टेस्ट के साथ। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप श्री हरमंदर साहब अमृतसर में माथा टेकने आए हैं और श्री हरमंदर साहब के आसपास आप एक ऐसा प्लेस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे जाके आप अमृतसरी कुलचे को ट्राई कर सकें, सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप भाई कुलवंत सिंह कुलचे वाले की शॉप पर आएँ और ये जो फोर मिक्स कुलचा है ये तो ज़रूर खाएँ। थैंक यू सो मच। तब तक मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, आप अमृतसर वॉकिंग टूर के साथ बनी रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड हम ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे ताकि हम अमृतसर के जो स्पेशल खाना है उनको और भी ज़्यादा प्रमोट कर सकें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके द्वारा लाइक और शेयर ही हमें एनकरेज करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच।